A very good morning to all of you. Welcome to the Welfare Study channel, changing the way of learning, India's number one online education channel and the part of an academy. So, ek bar, sare ke sare join ho jaiye aur class kar lijiye share taki hum kar sake is class ko start. Ye subah subah aapki jo class hoti hai, ye hoti hai 7 baje ki general science ki class, jiske andar hum complete science ka part complete karte hain. Matlab the point is this, dekhiye. जब भी सेक्शन आपको कराया जाता है तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि आपकी जो साइंस है जिसको अभी तक आप पढ़े हुए वो सारे साइंस के पार्ट को ना आप अच्छी तरीके से कवर कर पाओ. हर एक क्वेश्चन को जब आप रिवाइज करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें होंगी जो आपको यहाँ पे देखने को और जानने को मिलेंगी, है ना. क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना किसी भी सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है एंड सेम साइंस के ऊपर अप्लाई होता है. अब आप में से जिसको सब्जेक्टिव जी के सब्जेक्टिव पढ़ना है कि नहीं, हमको टॉपिक वाइज पढ़ना है या हमको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, तो शाम को फिजिक्स की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं 6 PM पे. साउंड पूरा हो चुका है इस क्लास के अंदर और आज जो है ना वो हम इसमें शुरू करने वाले हैं लाइट वाला चैप्टर, ठीक है. लाइट तो आज भी लाइट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. कई बार कई बच्चों को समझ ही नहीं आता और इस लाइट वाले चैप्टर में मैं आपको सारी इमेजेस जो है ना वो समझाऊंगी किस तरीके से इमेजेस बनती हैं, चाहे प्लेन मिरर रहेगा तो, अगर हम कंकेव मिरर की बात करें, हम कन्वेक्स मिरर की बात करें, हम लेंसेज की बात करें तो कैसे इमेजेस बनती हैं उस पर थोड़ा फोकस करेंगे और खासकर इसके न्यूमेरिकल्स. बहुत ही साइन कन्वेंशन की प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल्स को करने के लिए, पर हम इस क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. ओके, दूसरी चीज ये कि सुपर 14 स्टैटिक जीके भी आपका अन अकेडमी पे शाम को 7 बजे चलता है, तो ये दोनों क्लासेस आप ज्वाइन करिए. संडे को कॉम्बैट सीरीज का टेस्ट दीजिए और अन अकेडमी पे आप बहुत सारी क्लासेस और कोर्सेज लेके अपनी तैयारी जो है ना वो शानदार तरीके से कर सकते हो, है ना. और कोड आप लगा सकते हो शिप्रा लाइव, जिससे आपको जो मंथली डिस्काउंट होगा वो भी मिलेगा, 10% जो फाइनल प्राइस पे जो डिस्काउंट होता है वो भी मिलेगा, सिर्फ आपको कोड लगाना है. हमारी जो 6 बजे वाली और 7 बजे वाली जो क्लासेस हैं ये प्री लाइव क्लासेस हैं अभी, तो आप टेंशन ना लो, आराम से बस पढ़ते रहो. 6 बजे वाली और 7 बजे वाली ये प्री लाइव क्लासेस हैं, तो अभी इसको कैसे भी छोड़ो मत कि भाई नहीं हम कर लेंगे, ये हो जाएगा, हमें तो फिजिक्स की जरूरत ही नहीं है, या फिजिक्स के बाद में केमिस्ट्री के क्वेश्चन कराऊंगी, केमिस्ट्री और मिक्स करके बायो कराएंगे. हर शनिवार इसमें एक मेगा टेस्ट रखा करेंगे जो पूरे हफ्ते का एकदम एग्रीगेट टाइप होगा, है ना. तो ये वाला चीज है, यहाँ पे हम नेक्स्ट टेस्ट रखेंगे जो कि फाइनल एक रहेगा. 6 बजे वाली क्लास में हम टॉपिक वाइज करेंगे ताकि अपने को ये भी तो बताओ कौन सा टॉपिक करना है कौन सा नहीं. चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, पेलेग्रा और स्कर्वी ये बीमार कौन सी विटामिन की कमी के कारण होने वाली बीमारियां हैं. पेलेग्रा और स्कर्वी, देखिए विटामिन हमारे शरीर को बहुत ज्यादा जरूरत होती है ना, लेकिन ये विटामिन हमको चाहिए ट्रेस अमाउंट में, यानी कि बहुत कम मात्रा में. तो अगर ये हम इतनी भी मात्रा में ना ले पाए तो हमें बीमारियां हो जाती हैं, और हम ज्यादा मात्रा में ले लें तो भी टॉक्सिसिटी हो जाती है. ज्यादातर बीमारियां कमी के कारण होती है कि भारत के अंदर ना विटामिन हम इतना कंज्यूम कर ही नहीं पाते, पर डे इतना विटामिन कंज्यूम ही नहीं कर पाते कि वो हमारे लिए सफिशिएंट हो. तो हमें ज्यादातर बीमारियां जो है ना कम वाली होती है कि विटामिन मिल ही नहीं रहे. अब थकान हो रही है, नींद आ रही है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो ये सारी कौन सी बीमारियां. पेलेग्रा बीमारी किससे होती है, विटामिन सी से तो नहीं होती है, विटामिन B3 से होती है पेलेग्रा. और स्कर्वी जो है वो किससे होता है, विटामिन सी. स्कर्वी होता है मसूड़ों में सूजन, राइट. स्कर्वी मसूड़ों में सूजन हुआ, मसूड़ों में से खून आना शुरू हो जाता है, जैसे कि दांत जैसे ना दांत में दर्द होना शुरू हो जाए, तो उसके लिए ना विटामिन सी करके बोलते हैं. तो स्कर्वी और विटामिन सी, बाकी एक बार आप विटामिन के सारे के नाम और उनकी बीमारियां आप लर्न करेंगे. विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ेरोफ्थैल्मिया, इसके अलावा जो बच्चे होते हैं. अच्छा देखो सबसे बड़ी चीज ये कि किसी भी प्रेग्नेंट महिला के अंदर अगर विटामिन की कमी होती है ना तो बच्चा जो है वो हेल्दी पैदा नहीं होता है. इसीलिए हर एक स्टेज पे ना विटामिन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. एक 30+ एज जो होती है ना उसपे विटामिन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. ग्रोइंग एज पे विटामिन की बहुत ज्यादा जरूरत है. 16-17 साल के जो बच्चे होते हैं उनको विटामिन की बहुत जरूरत है. तो विटामिन ओवरऑल हमारे शरीर को मेंटेन करते हैं. जिस तरीके से हमको ना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए,
उसी तरीके से विटामिन और मिनरल्स भी चाहिए। फोलेट हो गया, B6, कोबालामिन, B12, थायमिन की कमी से वेरी वेरी, है ना, B1 की कमी से वेरी वेरी कॉमन बीमारी है। अनीमिया B12, B6 और B9 की वजह से अनीमिया होता है, B6 की वजह से भी अनीमिया होता है, लेकिन उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और डर्मेटाइटिस भी होने के चांसेस हैं। नियासिन यानी कि B3 की वजह से पेलेग्रा, जो आपने ऑप्शन पढ़ा, तो ये चार्ट लगा हुआ है आपका, पूरा उसको पढ़ना है। न्यूटन का पहला लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। न्यूटन का गति संबंधित प्रथम नियम किस चीज की अवधारणा देता है? द फर्स्ट लॉ ऑफ द न्यूटन, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन के तीन लॉ, राइट। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन गिव्स द मोशन एंड रेस्ट कॉन्सेप्ट, है ना। कोई भी चीज मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाना बहुत मुश्किल है, कोई भी चीज रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक बार बेड पे बैठ गए तो बैठ गए, फिर हिला के कोई दिखाया है ना, इनर्शिया, जड़त्व का प्रभाव। हर एक ऑब्जेक्ट अपनी जो पोजीशन है उसको अपोज करता है, मतलब अगर आप कोई रुकी हुई चीज है उस पे धक्का मारेंगे तो वो अपनी रुकी हुई अवस्था को अपोज करेगा और धक्का देने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए किसी चीज को एक बार शुरू करना आसान होता है, उसके बाद तो वो चलती रहती है। शुरू करना आसान इसलिए क्योंकि वो अपोज कर रहा होता है, इनर्शिया, राइट। इनर्शिया बॉल है, रेस्ट पे थी, मारा उसको तो उसने क्या किया, न्यूटन का पहला अप्लाई फोर्स किया। अच्छा, इसमें फोर्स कैसा होना चाहिए? अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। फोर्स कैसा होना चाहिए? अनबैलेंस यानी कि असंतुलित बल। कभी भी फोर्स बल नहीं होना चाहिए, बैलेंस बल नहीं होना चाहिए। बैलेंस बल होगा तो वो चीज कभी भी नहीं अपनी पोजीशन को हटाएगी। इसीलिए कैसा बल होना चाहिए? बैलेंस्ड बल होना चाहिए, अनबैलेंस्ड होना चाहिए, बैलेंस्ड कभी भी नहीं होना चाहिए। विच फ्यूल हैज दी हाई कैलोरीफिक वैल्यू, बताओ। अगर हमें इनमें से किसी एक फ्यूल को यूज करना हो, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है पहले तो देखो, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को जलाने पे उसके द्वारा उत्पन्न हुई ऊर्जा, सिंपल भाषा में बोल रहे हैं, वरना तो अभी द अमाउंट ऑफ कैलोरी जनरेटेड व्हेन अ यूनिट ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड और कंबशन के प्रोसेस में जाती है। कंप्लीट कंबशन यानी कि पूर्णतः रूप से, अगर इसमें कंप्लीट कंबशन या पूर्णतः रूप से दहन की प्रक्रिया हो रही है और एक किलोग्राम या एक जूल या कितनी कैलोरीज जो है ना वो एक ग्राम को जलाने पे आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंबशन या कैलोरीफिक वैल्यू बोला जाता है। आपको पता है कि भारत अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रहा है हाइड्रोजन में। भारत ने जापान के साथ जो है ना वो एक्ट किया है हाइड्रोजन के लिए। 2047 तक वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज ये चाह रही है कि हम हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड हो जाए। हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा होती है, 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम। अगर एक किलोग्राम हाइड्रोजन जलाया तो इतना, उसके ऊपर की सारी वैल्यू देखिए, एलपीजी, मिथेन, डीजल, कैरोसिन, पेट्रोल, पेट्रोल कहाँ पे, पेट्रोल और हाइड्रोजन में कितना ज्यादा डिफरेंस है। इसलिए पूरा वर्ल्ड अभी ये चाह रहा है कि हाइड्रोजन को जो है ना वो फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, ऐसा है क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन अपने बॉन्ड्स को ना इजिली ब्रेक कर देता है ना, हाइड्रोजन वीक बॉन्ड होता है ना, इसलिए वो अपने बॉन्ड्स को इजिली ब्रेक कर देता है, तो उनको जल्दी से ना उसमें से हीट या एनर्जी या कैलोरी जो है ना वो मिल जाएंगी। हाउ मेनी यूरेटर्स आर प्रेजेंट? यूरेटर्स, यूरेटर्स की संख्या हमारे बॉडी में कितनी होती है जरा बताइए, यूरेटर्स की संख्या हमारे बॉडी में कितनी होती है? यूरेटर्स क्या होते हैं पता है ना? यूरेटर्स हाइड्रोजन से वेस्ट भी नहीं निकलता है, इसलिए भी यूज करना है हाइड्रोजन से ना, हाइड्रोजन को जलाने पे ना आपको कभी वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। इसलिए दो करके याद रखें कि तीन किसकी आ रही है, तीन किसकी आ रही है? यूरेटर क्या होता है? किडनी से निकली हुई जो ट्यूब होती है ना, ये यूरेटर है, ये वाली। किडनी ने सब कुछ फिल्टर किया, किडनी ने ब्लड फिल्टर किया, ब्लड फिल्टर करने के बाद कलेक्टिंग डक्ट में दिया। कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो कहाँ पे देती है जाके इस चीज को? वो देती है यूरेटर को जाके। तो यूरेटर जो है ना वो यूरिन को कैरी करते हैं और ले जाके इसको मूत्राशय यानी कि जो ब्लैडर होती है ना उसमें जाके फिल करते जाते हैं।
तो दो करके याद रखना, यहाँ किडनी का हिसाब किताब नहीं बैठता है, एक किडनी दो किडनी, किडनी को बचाना मुश्किल है, वो देखो यूरेटर की संख्या 3। अब ये याद रखना एक चीज कि हमारी जो लेफ्ट साइड की किडनी है ना, लेफ्ट साइड वाली, ये थोड़ी ऊपर उठी होती है, या ऐसे बोलो कि राइट साइड की किडनी थोड़ी नीचे होती है, क्यों, ताकि लिवर जो है ना यहाँ पे उसको पूरा जगह मिल सके, तो लेफ्ट साइड वाली नीचे या राइट साइड वाली ऊपर, ये सॉरी लेफ्ट वाली ऊपर राइट वाली किडनी थोड़ी सी नीचे होती है। हाउ मेनी लोब्स आर प्रेजेंट इन लिवर, यकृत में कुल मिला के कितने लोब्स होते हैं, सिंपल वाले भी सारे रिवाइज कर डालो क्वेश्चन, ताकि एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन भी है वो भी कर पाए, डिफिकल्ट है वो भी कर पाए, जैसे कल वाले क्वेश्चन किए थे हमने। आपकी किडनी का जो साइज होता है वो 10 इंटू करे हो ना, किडनी का साइज बता दिया ना आपको पहले, 10 से 12, 5 से 7 और 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इतनी सी होती है, छोटी सी किडनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर, 5 से 7 उसकी, 10 से 12 उसकी लंबाई, ये चौड़ाई और 2 से 3 मोटाई, ये याद रखना आपके लिए, कोई ऐसा एग्जाम में ना डायमेंशंस पूछी जा सकती है किसी भी ऑर्गन की, थायराइड की, पैनक्रियास की, किडनी की, इनकी डायमेंशंस लर्न करनी है। हाउ मेनी लोब्स आर प्रेजेंट, देखो यकृत में टोटल मिला के लोब्स की संख्या कितनी होती है, वैसे सुपरफिशियली देखें तो लिवर के अंदर ना खाली 2 लोब्स दिखाई देते हैं, राइट, अब थोड़ा सा इंटरनली गए तो 4 लोब दिखाई देने लग जाएंगे, और ज्यादा इंटरनली जाते हैं तो 8 लोब दिखाई देने लग जाते हैं, तो लिवर के लोब को आप ऑप्शन के हिसाब से आंसर करिएगा। सुपरफिशियली लिखा है ना, ऊपर से लिखा है तो ऊपर से खाली 2 दिखाई देते हैं, एक राइट एक लेफ्ट, अंदर से थोड़ा सा अंदर लेयर को हटाया, ऊपर वाली लेयर को हटाएंगे तो 4 दिखाई देंगे, अब और भी ऊपर की लेयर को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया तो 8 हो जाते हैं, तो वैसे हम 2 ही बोलेंगे, ऊपर से देखो ऐसे दिखाई देते हैं, राइट लोब लेफ्ट लोब, ठीक है, और अंदर सेक्शन वाइज गए तो 4 लोब दिखाई देने लग जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा ना आपको 4 करना है, ये एंटीरियर आगे से, पोस्टीरियर यानी कि पीछे से, लिवर आगे से ऐसा दिखाई देता है, और लिवर के ऑपरेशन ज्यादातर किए जाते हैं ना तो साइड से किए जाते हैं, साइड से काट के, क्योंकि साइड से काटेंगे तो पीछे और आगे दोनों का दिखाई देगा, तो यहाँ पे ना लिवर करके याद रखिए 4 लोब्स। टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर्ड इन, अभी टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट कल की क्लास से याद है ना, बी और टी लिम्फोसाइट ये किस प्रकार के सेल है, ये WBCs है ना, WBCs 5 तरीके के होते हैं, जिसमें से मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट, लिम्फोसाइट को बोलेंगे तो भाई 2 लिम्फोसाइट है, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ओरिजिनेट करते हैं बोन मैरो से, ठीक है, ओरिजिनेट तो करते हैं बोन मैरो से, निकलते हैं रेड बोन मैरो से, अच्छा बोन मैरो को भी कभी व्हाइट बोन मैरो लिखा हो तो गलत है आंसर, रेड बोन मैरो लिखते हैं, कभी भी आपको ये लिखा हो कि जैसे लिम्फोसाइट है या आरबीसी है, कहां से ओरिजिनेट करते हैं, और एक ऑप्शन रेड बोन मैरो हो, रेड बोन मैरो, और एक हो सफेद अस्थि मज्जा या व्हाइट बोन मैरो, तो याद रखना है कि रेड बोन मैरो से निकलते हैं, व्हाइट बोन मैरो से नहीं, जिसको हम हिमेटोपोएटिक टिश्यू के नाम से बोलते हैं। अब मैच्योरिटी बताइए कहाँ पे होती है, मैच्योरिटी कहाँ पे, थाइमस के अंदर, थाइमस में जाके मैच्योर हो जाते हैं ये, मतलब देखो पैदा तो हुए आरबी रेड बोन मैरो से, जहां से सब पैदा हो रहे हैं, लेकिन मैच्योरिटी जो है ना ये थाइमस में जाके होती है। अच्छा यहाँ पे मैच्योरिटी का मतलब क्या ही नहीं, रखेंगे बड़ा करेंगे खाना खिलाएंगे ऐसे वाला नहीं, मैच्योरिटी का मतलब होता है कि जो बोन मैरो से निकलता है वो सिंगल WBC होता है, ठीक है, वो सिंगल WBC होता है, थाइमस में जाके ही अपने आप को 5 तरीके का अपने फंक्शंस के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ईओसिनोफिल्स, ये अलग कैटेगरी हो गया, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट में भी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ऐसा करके ये पूरा चार्ट है जो थाइमस में, इसीलिए बोलते हैं कि थाइमस हमारे शरीर का अकेला ऐसा अंग है जो समय के साथ क्या होता है, छोटा होता रहता है, ठीक है, समय के साथ अपना साइज डिक्रीज करता रहता है और इसका फंक्शन जो है ना वो भी स्लो हो जाता है, इसीलिए बूढ़े लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा होती है, छोटे बच्चों की देखो, छोटे बच्चे 5-6 साल के, वो मिट्टी भी खा ले, बाहर भी खेल ले, पूरा घूम ले, कुछ भी खा ले बाहर का, वह ज्यादा बीमार नहीं होते हैं, है ना, इम्यूनिटी, और वैसे भी बच्चों को थोड़ा बाहर छोड़ना भी चाहिए, नाजुक नहीं बनाना है ना,
बाहर छोड़ना है बच्चों को, 5-6 साल के बच्चे है ना, उनको खेलने देना है मिट्टी में कुछ भी करके, इम्यूनिटी उनकी डेवलप हो। क्रिकेट बॉल के स्विंग को किस सिद्धांत से समझाया जा सकता है? अगर बॉल है स्विंग करके जा रही है ना, तो कौन सा इसमें न्यूटन का लॉ? बोन मैरो का कलर व्हाइट होता है, कलर व्हाइट कैसे होता है? बोन मैरो दो तरीके की होती है, व्हाइट बोन मैरो और रेड बोन मैरो, जिसमें से रेड बोन मैरो जो होती है ना वो फंक्शन में इन्वॉल्व होती है। अब वैसे तो येलो बोन मैरो होती है जो फैट स्टोरेज के लिए जरूरी होती है, और व्हाइट बोन मैरो जो, देखो येलो और रेड बोन मैरो जो है ना वो हमारा फंक्शन करती है, ये वाला कभी रेड बोन मैरो जो है वो रिप्लेस कर देती है, रिप्लेस कर जाती है येलो से। तो येलो रेड और व्हाइट तीन तरीके की देखो बोन मैरो हमारे बॉडी में टोटल होती है, रेड येलो और व्हाइट, राइट। अब ये रेड येलो व्हाइट के अंदर आपका जो मेनली आरबीसी वगैरह प्रोड्यूस होते हैं वो सारे रेड बोन मैरो से ही होते हैं, और रेड बोन मैरो से, रेड बोन मैरो। अब कलर इनका हल्का पिंक ही होता है, वैसे कलर के ऊपर जो कलर है उसके ऊपर ही, व्हाइट व्हाइट, रेड रेड, येलो येलो, इसमें कहां दिक्कत आ रही। सेकेंड लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, अच्छा एक बार ध्यान से देखो, क्रिकेट बॉल स्विंग करती है न्यूटन के लॉ पे ही करती है क्या? अगर मैग्नस इफेक्ट बोले, स्पिनिंग ऑफ बॉल लिखा हुआ है, स्पिनिंग ऑफ बॉल, तो न्यूटन के लॉ में आपने कैचिंग ऑफ बॉल तो पढ़ा है, मोमेंटम वाला इफेक्ट पढ़ा है, लेकिन स्पिनिंग वाला पढ़ा है क्या? देखो जब भी बॉल को स्विंग कराया जाएगा ना, जब भी बॉल को स्विंग कराया जाएगा, स्विंगिंग जो स्विंग बॉल होती है ना वो अपने आसपास से एटमॉस्फेयर को, एटमॉस्फेयर में से जो एयर होती है ना उसके प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है। हवा का प्रेशर ज्यादा होगा तो स्विंगिंग बॉल की इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। आप कभी कमेंट्री देखे हो, पढ़े हो, न्यूज ये मैच देखते हो तो कमेंट्री पढ़े हो उसमें कि हवा के प्रेशर की वजह से बॉल अच्छे से स्विंग नहीं हो पा रही है। ये हवा का प्रेशर जब बॉल के ऊपर लगता है ना तो इस चीज को हम मैग्नस इफेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, मैग्नस इफेक्ट। इसका आंसर न्यूटन सेकंड लॉ नहीं है, मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट सिंपली चीजों के ऊपर एयर के प्रेशर की वजह से होने वाले बदलाव को बोला जाता है, सिंपल। मैग्नस इफेक्ट क्या है? जो भी किसी भी पर्टिकुलर चीज पे, या अच्छा मैग्नस इफेक्ट वैसे बर्नौलीज की जो थ्योरम है ना उसी का मैनिफेस्टेशन है, यानी कि उसी का एक छोटा रूप आप समझ लो। किसी भी चीज के ऊपर, या स्पिनिंग की अगर हम बात करें, टर्निंग की वजह से या बॉल के ऐसे स्विंग होने की वजह से एयर के प्रेशर का बॉल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है ना, ये मैग्नस इफेक्ट होता है। एयर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉल अच्छे से स्विंग नहीं कर पाएगी, नॉर्मल एयर प्रेशर होगा तो बॉल बढ़िया से स्विंग करेगी, है ना। तो कभी देखो आप क्रिकेट की कमेंट्री में बोलते हैं ना कि आज हवा का रुख जो है वो स्पिनिंग खिलाड़ियों की तरफ नहीं है, या हवा का जो प्रेशर है वो स्पिनिंग खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैग्नस इफेक्ट भी याद रखिए। देखिए कैचिंग अ बॉल और बॉल पकड़ते समय पीछे की तरफ जाना, ये मोमेंटम है, आप उसका टाइम बढ़ा रहे हो, है ना, टाइम बढ़ा के आप उसकी वेलोसिटी कम कर रहे हो, वेलोसिटी कम करके आप फोर्स कम कर रहे हो, और फोर्स कम करके आपके ऊपर जो इम्पैक्ट लग रहा है ना हाथ में उसको कम कर रहे हो। यहाँ पे बॉल पकड़ा और यहाँ पे बॉल पकड़ा तो ये टाइम लैप्स हो गया ना, लेकिन जब आपसे स्विंगिंग लिखा जाए ना स्विंगिंग, तो ऑप्शन में मैग्नस इफेक्ट ढूंढिए कि मैग्नस इफेक्ट जो है वो कहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, ये मैग्नस साइंटिस्ट के नाम पे है तो ऐसे कोई टेंशन नहीं है। इनमें से कौन सा ऑर्बिटल डंबल शेप का होता है बताइए, इनमें से कौन सा ऑर्बिटल डंबल शेप का होता है? देखिए एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, इनके नाम से सिंपल, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल बोलते हैं ना, तो कौन सा डंबल आकार होता है? देखिए इस क्लास के अंदर ना आपका सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट साइंस के मिक्स क्वेश्चन ही होंगे, थ्योरी हुआ, टॉपिक वाइज क्वेश्चन हुए, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, वो सब आप शाम की 6 बजे वाली क्लास जो है ना साइंस की वहां पे आएगी, उसमें करिए। ये वाली क्लास का एक फिक्स रूटीन है, सेट हो गए हैं बच्चे यहाँ पे ना आराम से, तो ये बताइए।
पी ऑर्बिटल लिख दिए, देखो सिंपल क्या हो गया गोल, पी ऑर्बिटल क्या हो गया डंबल, डी ऑर्बिटल क्या हो गया जब आपके पास एक्स और वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे भी होता है और वाई एक्सिस पे भी या जेड एक्सिस पे, एफ ऑर्बिटल होता है फ्यूज एकदम, एक्स एक्सिस पे भी जा रहा है वाई एक्सिस पे भी जा रहा है और जेड एक्सिस पे भी जा रहा है तब हम बोलते हैं। तो ये सिंपल हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया एस पी डी, ये डिफ्यूज हो गया और एफ होगा तो और भी ज्यादा फ्यूज फॉर्म में आएगा। तो पी ऑर्बिटल जो है ना ये डंबल शेप बनाता है, सिंपल डंबल डंबल शेप, ठीक है। ये बताइए क्वेश्चन यहाँ पे, एटॉमिक साइज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, परमाणु आकार इस इतना होता है, साइज बताइए परमाणु आकार। देखिए बड़ा कंफ्यूजन है, पहले तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो सेंटीमीटर लिखा है कि नहीं लिखा, जब भी किसी भी चीज का एटम साइज, न्यूक्लियस साइज, न्यूट्रॉन साइज, ये साइज कुछ भी पूछा जाए फिजिक्स का क्वेश्चन, ये तो वैसे केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में आता है लेकिन कभी भी कोई भी फिजिक्स या केमिस्ट्री का इस तरीके का क्वेश्चन है तो सबसे पहले जो है वो क्या देखना है, क्वेश्चन में यूनिट्स क्या लिखी है ना। अब आपको सेंटीमीटर के हिसाब से देनी है, हम क्या याद रखते हैं कि हम सेंटीमीटर्स के हिसाब से आंसर नहीं दे पाते, क्यों भाई, हमें मीटर्स कभी मीटर याद करते हैं कभी सेंटीमीटर याद रखते हैं। देखो एटम का साइज 10^-8 लिखा है तो वो सेंटीमीटर में ही होगा, राइट। एटम का साइज अगर 10^-8 में लिखा हुआ है तो वो किसके लिए लिखा है एग्जैक्टली अब देखो आप ही लोग कितना वेरिएशन वाले आंसर दे रहे हो ना। एटम का साइज जो है वो 10^ मतलब डिफरेंट एटम के साइज की बात ही नहीं कर रहे हैं ना हम, आपको सेंटीमीटर में लिख के दिया ही है। जब भी 10^10 हो ना तो मीटर कर दो। अब ये आप में से कई लोग 10^10 कर रहे हैं ना, 10^10 तब करना है जब मीटर होगा, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करोगे तो वैल्यू ऊपर जाएगी और ये -10 हो जाएगा। तो एटम साइज सेंटीमीटर में कितना होगा, 10^-8 कितना, 10^-8 करके लिखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप ऑफ एलिमेंट्स हेल्प्स टू फाइंड ब्लड क्लॉट, निम्नलिखित में से किस तत्व का समस्थानिक थक्के रक्त थक्का खोजने में मदद करता है, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन से आइसोटोप को इस्तेमाल करते हैं ब्लड क्लॉटिंग। अच्छा इसका पूरा एक लिस्ट है पूरा का पूरा, टाइटेनियम क्या करता है, कार्बन 11 का आपको पूछा जाएगा, कार्बन 14 पूछा जाएगा, आयोडीन पूछा जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए किस चीज को इस्तेमाल करते हैं हम, सोडियम 24, किसको सोडियम 24 करके याद रखे, Na24 जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके की एक पूरी लिस्ट है, गोल्ड 198 कैंसर के लिए, ब्लड क्लॉट्स के लिए सोडियम 24, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट, अनीमिया के लिए आयरन 59, फॉस्फोरस 32, आई ट्यूमर के लिए मरकरी, किडनी स्कैन के लिए आयोडीन, थायराइड के लिए कार्बन 14, रेडियो इम्यूनोलॉजी कार्बन 11, ब्रेन को स्कैन करने के लिए, और ट्राइटियम वाटर का कंटेंट बॉडी में कितना है उसको नापने के लिए, द सेंसेशन ऑफ द टेम्परेचर टच प्रेशर एंड पेन अकजिन, तापमान स्पर्श दबाव और दर्द की अनुभूति ब्रेन के कौन से हिस्से में होती है बताइए, हमें टेम्परेचर लग रहा है, हमें किसी ने कुछ हुआ प्रेशर फील हो रहा है या किसी ने हमें छुआ तो हमें पता लग रहा है, या हमको पेन हो रहा है तो हमको किस चीज का, हमारा जो ब्रेन का कौन सा हिस्सा जो है ना वो एक्टिव है बताइए। देखिए फ्रंटल ये वाला पार्ट होता है ना, फ्रंटल ये होता है, पैराइटल पीछे वाला ये हो गया, टेम्पोरल जो है ये कान के ऊपर वाला, और ऑसिपिटल इधर। तो बताइए जरा यहाँ पे पैराइटल लिखेंगे फ्रंटल, देखिए आपको जो भी कुछ ये फीलिंग्स आती है वो आती है मेडुला ऑब्लोंगेटा से, राइट। मेडुला ऑब्लोंगेटा इसमें हेल्प कर रहा है टेम्परेचर के लिए, या मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स वेरुला ही मदद करते हैं। ये दोनों किस चीज का हिस्सा है कमेंट तो दिख ही रहे ना, कमेंट क्यों नहीं दिखेंगे आपके, कमेंट तो सबके दिख रहे हैं, क्या हो गया, पैराइटल लोब करके याद रखें, पार्श्विक लोब जिसे कहते हैं, पार्श्विक लोब जिसे कहते हैं। देखो पैराइटल बिल्कुल पीछे वाला ये जो लोब है ना, ये वाला जिसको कहते हैं ये, तो ये हमारा जो है ना इसी में हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा भी होता है, इसी में हमारा जो ये पॉन्स वेरुला होता है। तो हमको ये अलग अलग तरीके की जो सेंसेशन है ना टेम्परेचर वाली, ये वाला पार्ट फ्रंटल हो गया, ठीक है, ये टेम्पोरल हो गया, ये वाला पैराइटल करके, और ये फ्रंटल हो गया, ये नीचे वाला ऑसिपिटल हो गया। तो ये वाला पूरा हिस्सा जो है ना जिसको आप पैराइटल पीछे का बोलते हो ना, ये हमको हेल्प करता है टेम्परेचर के लिए,
सेंसेशन के लिए, सारी चीजों के लिए अचीव नहीं. सलाइवरी अमाइलेज इज नोन एज. सलाइवरी अमाइलेज को किस और रूप में आप जानते हो? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई सलाइवरी अमाइलेज को यहाँ पे, अच्छा किसी लोगों, कुछ लोगों को रिकॉर्डेड लग रहा है. क्यों भाई रिकॉर्डेड क्यों लग रहा है? चलिए बताइए. सलाइवरी अमाइलेज जो है ना, सलाइवरी अमाइलेज इज ऑल्सो नोन एज लार एंजाइम जो होती है ना, उसको आप इस नाम से और जानते हो. मतलब मैं आपको सलाइवरी अमाइलेज नहीं लिखूं और मैं लिखूं यार देखो ये ना मेरे पास, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो आप समझ पाओगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे. सलाइवरी अमाइलेज को किस और रूप में जाना जाता है बताइए? टाइलिन, टाइलिन, टाइलिन करके याद रखिए. पता है इसी टाइलिन की वजह से जो हमारा स्टार्च जो है ना वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है. तो हमारे सलाइवरी अमाइलेज में सबसे पहले स्टार्च की कन्वर्जन होती है हमारे माउथ वाले पार्ट में. इसीलिए तो हम बोलते हैं कि हमारा स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है फ्रॉम दी माउथ ओनली, है ना. तो ये टाइलिन करके याद रखिए, टाइलिन. व्हेन दी लाइट लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म द कलर व्हिच डेविएट्स द लीस्ट. ये बहुत ही ना, ये सबसे प्यारा क्वेश्चन है. जब भी लाइट चैप्टर पढ़ते हैं ना तो ये इतना सही लगता है ना पढ़ाने के लिए, मजा आता है इसको पढ़ाने के लिए. देखो व्हाइट लाइट है ना, सफेद रोशनी अगर पास करेगी तो सबसे पहले तो मीडियम चेंज होगा, तो वो यहाँ पे रिफ्रेक्शन के लिए जाएगी, रिफ्रेक्शन. अब ये जब सफेद लाइट जो है वो सात रंगों में पास होगी तो इसका एंगल बनना चाहिए ये वाला, यानी कि यहाँ से. अब कितने डेविएशन जो है ना वो मिनिमम की होती है और मैक्सिमम की होती है. द कलर विच डेविएट्स द लीस्ट, डेविएट्स लीस्ट, सबसे विचलित होने वाला जो रंग है ना कम, वो कौन सा है? लाल. लाल रंग सबसे विचलित होता है कम, इसीलिए लाल रंग को इस्तेमाल किया जाता है रेड लाइट्स के लिए या किसी भी डेंजर सिग्नल के लिए ना, हमेशा रेड कलर इस्तेमाल करते हैं. और सबसे कम विचलित कौन सा रंग होगा? ये लाल. और सबसे ज्यादा विचलित जो होगा ना वो होगा वायलेट, जो लाल आखिरी में, वरना कभी कभी ऑप्शन में ना ब्लू ही दिया जाता है तो ब्लू करके लिख सकते हैं ये वाला. देखो सबसे कम जैसे ये एंगल बनना चाहिए ये वाला, यहाँ से जब ये डेविएट करते हैं ना तो एंगल बनना चाहिए इस तरीके से ये वाला, ये. लेकिन यहाँ पे इसको देखो कम डेविएशन है और इस एंगल को देखो कहाँ पे चला गया, वायलेट देखो लास्ट में चला गया ना. इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे स्पेक्ट्रम जो है जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है, लाल का डेविएशन एंगल इससे. अच्छा डेविएशन इस चीज से, डेविएशन इस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, ये डेल्टा करके लिखते हैं तो रेड कलर करके याद रखिए. अजी बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर, प्राकृतिक बहुलक किस रूप में जाना जाता है? प्राकृतिक बहुलक किस रूप में जाना जाता है? कौन सा जो है ना वो नेचुरल पॉलीमर है? पॉलीमर का मतलब क्या होता है? जो बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट से बना हुआ है. तो पेड़ों में, पौधों में जो सेल्यूलोज पाया जाता है ना वो बहुत सारे ग्लूकोज की यूनिट से बना होता है. सेल्यूलोज जो होता है, सेल्यूलोज का फॉर्मूला C6H10O5, और इसको n टाइम्स करना है, ठीक है. तो बहुत सारे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर ऐसे लाइन में जुड़े रहेंगे हजारों लाखों, तो सेल्यूलोज बनाएगा. फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्यूलोज का फॉर्मूला मैं आपको आगे के कुछ क्वेश्चंस में पूछने वाली हूँ. तो C6H10O5, राइट. द ऑथर ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, द ऑथर ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम की जो किताब है ना उसकी राइटर कौन है? गैलापागोस आइलैंड पे 14 साल के लिए, गैलापागोस आइलैंड पे एक अपनी शिप जिसका नाम था HMS Beagle शिप के ऊपर पूरी दुनिया ट्रैवल करने के बाद 14 साल पूरी दुनिया ट्रैवल किया गैलापागोस आइलैंड पे, दुनिया का सबसे जाइंट जो टर्टल है ना उसको खोजा, और पक्षियों की 14 तरीके की चिड़ियों की जो चोंच होती है ना, बीक होती है, उसको पढ़ के एवोल्यूशन एक्सप्लेन किया. एवोल्यूशन तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन करके याद रखिए, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा एवोल्यूशन जो है ना उसको एक्सप्लेन किया गया था. द डैश डिलीवर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, फेफड़ों में ऑक्सीजन रहित रक्त पहुंचाता है कौन? ऑक्सीजन ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो लंग्स में कौन देता है? डैश डिलीवर्स दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी लंग्स. अब ये देखो आपको लग रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे जाएगा? देखो लंग्स को अपने काम करने के लिए भी तो चाहिए ना यहाँ पे, और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करके लिखा हुआ है. तो ये हमें अगर लंग्स की हेल्प लेनी है,
हार्ट जो है वो लंग्स की हेल्प लेता है फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ द ब्लड, राइट। तो डीऑक्सीजनेटेड इनमें से ब्लड कौन लेके जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे भाई, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी, और जब वहां से ब्लड लौट के आएगा तो पल्मोनरी वेन में आता है। तो पल्मोनरी आर्टरी है, देखो एक तरफ जो है ना वो लेफ्ट लंग को देगी और एक तरफ जो है वो राइट लंग को देगी ताकि ब्लड की प्यूरिफिकेशन हो सके। तो पल्मोनरी आर्टरी वापस वेन से आएगा, जाएगा आर्टरी से। अच्छा, ये वाला डायग्राम आपकी बुक में लगाया है, इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा। 10 जो इम्पोर्टेंट वेन्स है ना बॉडी में उनके लिए। अच्छा, प्रोपेन हैज, प्रोपेन का ना स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पे बना हुआ है, आप मुझे बस बिना स्क्रीन बिना स्ट्रक्चर में छिपाती हूँ यहाँ पे ताकि आप देखो ना। आप बताइए प्रोपेन के पास कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, अपनी पेपर लीजिए उस पे बनाइए, मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया वो नहीं देखोगे आप, वो बाद में देखोगे। प्रोपेन के पास कोवेलेंट बॉन्ड कितने होते हैं, प्रोपेन पहली बात तो कार्बन का कंपाउंड है, C3 हमने बोल दिया, तो C3 में हमारे पास एन लगा हुआ है, एन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, राइट। इसका मतलब 3 × 2 = 6 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 8। C3H8, तो टोटल मिला के कोवेलेंट संख्या कितनी होगी या बॉन्ड्स की संख्या कितनी होगी, 8। कौन बता रहा है, ये 8 वाले बच्चे, मैंने बोला ना पेपर पे बना के देखा करो इनको, इनको बिना पेपर के जितनी बार आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन बिना पेपर पे लिखे हुए करोगे उतनी ही बार गलत होंगे। आंसर 10 कोवेलेंट बॉन्ड्स है। यहाँ पे ये देखो जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो रहे हैं 10। कोई रॉकेट साइंस है इसमें, कुछ भी नहीं है, बस स्ट्रक्चर को बनाना था, स्ट्रक्चर को बना के देखना था, हमें नहीं बनाना, क्यों भाई, हम तो शहंशाह हो रहे हैं बिल्कुल ही। मैंने आपको बोला ना फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन बिना लिखे करे तो गलत, ओवर कॉन्फिडेंस में गलत हो जाएंगे। 10 बॉन्ड्स होते हैं, 10 कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है ना वो हमारे प्रोपेन के अंदर मौजूद होते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक, जस्ता जो होता है, जिंक जो होता है उसके अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कितने होते हैं, जिंक के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट शेल जो है ना वो कितने की भरी जाती है, सबसे बाहर जिंक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 याद रहेगा। देखिए जिंक जो है वो स्पेशल होता है, जिंक वैसे तो हमारा 38th नंबर पे आता है, लेकिन हम बताते हैं ना कि जिंक के लिए भी जब भी लिखा जाएगा तो जिंक एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। जिंक की स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आती है कि आर्गन जैसे कंप्लीट हुआ उसके बाद यहाँ पे 3D10 और 4S2 लिखा जाता है ना, 3D10 और 4S2, यानी कि अंदर वाला जो शेल है वो पूरा है लेकिन बाहर वाला जो शेल है वो S के साथ पूरा है, यानी कि सेकेंड शेल भी पूरा है और अंदर वाला जो शेल है ना वो भी पूरा है। इसीलिए जब भी जस्ता या जिंक लिखा जाता है हमको आंसर क्या लिखना पड़ता है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है ना वो उसके आउटर मोस्ट शेल में है। तो यहाँ पे भाई इसमें पहला ऑप्शन 2 होगा, 3 नहीं होगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है ना वो 2 लिखेंगे, गलत, यहाँ पे ये छप गया, 3 नहीं लिखना है, गलत है ये, यहाँ पे ना 2 लिखना है, ये 2 याद रखिए भाई, 2 है, 2। जिंक के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 4s2 जाएगा और Zn के अंदर यानी कि जिंक जिसका एटॉमिक नंबर है 30 उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 रखते हैं, तो 2 करके लिखिए भाई, इसमें 5, 4 कुछ नहीं आएगा, सही वाला तो एक जने भी नहीं बताया है, 2 लिखना है, 2। जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखिए 3D10 4s2, जब अपने शेल्स को भरेगा तो ऐसे ही भरेगा ना, अंदर 2 फिर 8 फिर 18 और उसके बाद बाहर में, तो ये 18 जो है वो अंदर फिल किया, ये पूरा, ये देखो 8 पूरा 18 अंदर फिल कर लेता है, 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 18 अंदर फिल कर लिया, 8 सेकंड नंबर पे और अंदर में ही। तो अब जरा ये याद रखिएगा, पहले 2 हो गया, फिर 8 हो गया यहाँ पे, फिर 18 हो गया और लास्ट में 2, ठीक है। 3D10 करके लिखना है, 3D10 2 करके याद रखिए, 2 जिंक में लास्ट में 2 होता है। स्फेरोलाइट किस चीज का और बोला जाता है, स्फेरोलाइट किसके और के लिए बोलते हैं, ये क्वेश्चन लर्न करना है आपको, आई ओर और इनके ओर और मिनरल्स का या ओर और मिक्सचर्स का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, तो अगर आपसे ओर्स पूछे जाएं तो स्फेरोलाइट किसका ओर है,
स्फेरोलाइट जिंक के ओर को बोला जाता है, ठीक है, जिंक। उसके अलावा जिंक के आपको स्फेरोलाइट करके लर्न करना है ZnS, जिंसाइट लर्न करना है ZnO, फ्रैंकली नाइट लर्न करना है ZnO और आयरन और मैग्नीज के साथ, कैलामाइन लर्न करना है, कैलामाइन जिंक का ही ओर होता है, और स्मिथ सोन करके लर्न करना है जिंक CO3, ZnCO3, ये किसका है, स्मिथ सोन का। ब्रोका, ब्रोका एरिया ऑफ स्पीच इज प्रेजेंट इन हमारे ब्रेन के अंदर, जो ब्रोका एरिया है जिससे हम बोल पाते हैं आपके बॉडी के अंदर, आपको पता है ना कि बोर हम बोलने बोल पाते हैं तो बोल, भाई देखो ऐसा है कि हम अगर मैं जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं एकदम करेक्ट वर्ड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, फ्लम्बिंग तो नहीं हो रही है, कुछ का कुछ तो नहीं बोल रहे हैं ना, कि मतलब ये ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो स्पीच देने के लिए जरूरी होता है। स्पीच का मतलब होता है कि भाई देखो आप बैलेंस तरीके के स्पीच दो, है ना, ये नहीं कि कुछ सोचा है कुछ बोल रहे हैं वैसा वाला। तो फ्रंटल करके याद रखिए, फ्रंटल, क्योंकि हम सोचते भी फ्रंटल वाले पार्ट से हैं, हम मेमोराइज भी फ्रंटल वाले पार्ट से करते हैं यहाँ से देख के, तो हम जब बोलेंगे ना तो बैलेंसिंग हमारे को यहाँ से चाहिए, जो हमने सोचा है ना, जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमें बोलना क्या है तो फिर तो हम फ्लम्बिंग करेंगे, लेकिन जब क्लियर होता है ना कि क्या बोलना है तो फ्रंटल वाले पार्ट से। तो ब्रोका स्पीच या ब्रोका एरिया ऑफ स्पीच ये फ्रंटल वाले पार्ट में मौजूद होता है, तो ये वाले डायग्राम आपको लगा के दिए ना उनको पढ़ना। अच्छा ये बताइए, विच रिब्स हैव द बकल हैंडल टाइप ऑफ मूवमेंट, किन पसलियों में बकल हैंडल प्रकार की हलचल होती है। बकल हैंडल मतलब बस यूं 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 करके हमारी पसलियां जो होती है ये क्या होती है, ये लिवर को प्रोटेक्ट करती है, ये वाली जो पसलियां रिब के जिसको बोलते हैं लिवर को प्रोटेक्ट कर रही है, स्टर्नम से जुड़ती है। तो यहाँ पे जो बकल होता है ना, बकल शेप किसके लिए बोलते हैं कि भाई जो इस तरीके से रिप्रेजेंट करती है या अपना जो फंक्शन है ना वो इस तरीके से अपर डाउन ऐसा करके एलिवेशन ऊपर नीचे ऐसा बकल, तो यहाँ पे बकेट से रिलेटेड है ये। रिब नंबर 6 to 10 करके याद रखिए, टोटल रिब्स होती कितनी है 12, जिसमें से 6 से लेके 10 जो रिब्स होती है वो बकल हैंडल, यानी कि जैसे बाल्टी आपने उठाई फिर उसका बकल नीचे रख दिया, बाल्टी का हैंडल उठाया फिर छोड़ दिया तो वो नीचे चला गया ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसी मूवमेंट जो है ना वो करता है 6 से 10। द टो बोन्स आर कॉल्ड एज, पैर के अंगूठे की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है, पैर के अंगूठे मतलब पैर का, हाँ पैर देखो ना, पैर बताओ, पैर को आप किस नाम से जानते हो। अच्छा देखो ये ना हमारा हाथ या हमारे पैर है ना, तो उसमें ये, अब मैं पैर तुम दिखा सकते हैं, ये हाथ है ना, हाथ में ये जो होती है ना ये उंगलियां, उंगलियों को क्या बोलते हैं, हाथ की या पैर की जो उंगलियां है ना वो कैसे काम करती हैं, मतलब ये मेरा हाथ है अभी मैं इनको क्या बोलूंगी, ऐसी पैर की उंगलियां होती हैं। देखिए हाथ और पैर के दोनों की उंगलियों को ना हम क्या बोलते हैं, फेलेंजेस के नाम से जानते हैं। वैसे हमारा हाथ है कार्पल मेटाकार्पल, पैर होता है टार्सल मेटाटार्सल, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है पैर के अंगूठे की हड्डी, तो अंगूठा ये, तो इसको अंगूठे को भी ना हम फेलेंजेस के नाम से ही जानते हैं। तो चाहे आपके हाथ की उंगली है चाहे आपके पैर की उंगली है, दोनों को ही ना आप फेलेंजेस के नाम से जानोगे। ये वाला जो हिस्सा है ना आखिरी वाला, तो ये टो लिखा है ना, टो अंगूठा, तो फेलेंजेस के नाम से ही जानो, ये टार्सल हो गया, ये मेटाटार्सल हो गया, ये फेलेंजेस हो गया, ये पैर है। हाथ की हम बोलेंगे ये कार्पल होता है, ये मेटाकार्पल होता है, और ये हमारी फेलेंजेस होती है। तो उंगलियां चाहे पैर की हो चाहे हाथ की हो उनको हम फेलेंजेस के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, फेलेंजेस के नाम से जानते हैं। विच टाइप ऑफ द टिश्यू गिव्स राइज टू नोटोपॉड, नोटोपॉड वर्टिब्रेट होने का एक जिंदा मतलब लाइव एग्जाम्पल है। अगर हम वर्टिब्रेट हैं, हम इंसान हैं, हम मैमल्स की कैटेगरी में आ रहे हैं ना, तो ये हमको नोटोकॉर्ड से मिल रहा है, मतलब हमारा नोटोकॉर्ड। इसमें आप याद रखिए शरीर के जो आंतरिक अंग बने होते हैं वो हमेशा मीजोडर्म से बने होते हैं। एक्टोडर्म हमारी स्किन बना रही है, एंडोडर्म जो है वो हड्डियां वगैरह बनाते हैं, और मीजोडर्म जो है वो हमारे ऑर्गन्स टाइप चीजें बनाते हैं। तो ये जो हमारा मीजोडर्म है ना ये नोटोकॉर्ड बनाता है, जिसके ऊपर आके ऐसे वर्टिब्रल कॉलम जो है वो अटैच हो जाती है। तो ये अंदर एक नोटोकॉर्ड जाती है जो मीजोडर्म की ओरिजिन के लिए डिफाइन यहाँ पे करती है, ठीक है, मीजोडर्म बोलते हैं। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी पुताई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हड्डियां टूट जाती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। पीओपी जो है उसका फॉर्मूला क्या है बताइए,
पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है? मीजोडर्म, मीजोडर्म। ओरिजन आपसे कभी भी पूछे ना, मीजोडर्म ही लिखिए, ठीक है? ओरिजन कभी भी पूछेंगे ना, मीजोडर्म ही लिखिए। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस? पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 हाफ में H2O होता है ना, हाफ H2O लिखेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। अगर आपसे जिप्सम पूछा जाता, जिप्सम जो हेल्प करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए, तब आपका CaSO4 2H2O होता है ना। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जिप्सम, जिप्सम को ही गर्म करके या जिप्सम को ही पानी निकाल के जिप्सम का हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं, ठीक है। बेंजीन के पास, अब देखो मैं फिर से ना इसका स्ट्रक्चर छुपाऊंगी और फिर आपसे पूछूंगी, बेंजीन रिंग जो होती है ना उसके पास कितने तो सिंगल बॉन्ड होते हैं, कितने डबल बॉन्ड होते हैं, बताओ। इसमें तो आपके लिए इजी है, सिंगल और डबल बॉन्ड्स बताने हैं। तो बेंजीन रिंग क्या होता है? बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6 है ना, तो बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। आप बताइए इसमें कितने डबल बॉन्ड होते हैं, कितने सिंगल बॉन्ड होते हैं? कितने सिंगल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है, बताओ जरा। तीन सिंगल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड। अच्छा जी, अच्छा। अब ये स्ट्रक्चर देखो, अब ये स्ट्रक्चर देखो और अब इसके हिसाब से आंसर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नाइन तो जो है ना ये सिंगल बॉन्ड हो गए, और 1 2 और 3 तीन जो है ना ये डबल बॉन्ड हो गए। अब ये हमको कैसे पता, हमको कैसे आएगा? हमको तब आएगी जब पेपर पे बनाएंगे, और ये सिंपल जो स्ट्रक्चर्स है ना उनके आपको ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले भी लर्न करने पड़ेंगे। इनको आप ना क्या बोलते हो, इनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूले। जैसे प्रोपेन का था वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था, बेंजीन का है तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, राइट? स्ट्रक्चर्स जो है ना उससे रिलेट करके आपने ये बनाए। तो आप जरा इसको याद रखिए, यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सीधा उठा के, ऐसे नहीं कि बस दिमाग में जो चल रहा है लेके आंसर कर दिया, पेपर पे पेन से बनाना पड़ेगा। पेपर पेन नाम की चीज होती है, सुनिए ना, है ना, या ये ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते पेपर पेन भूल गए हैं, ऐसा कुछ पेपर पेन होता है ना, ये हमारे को यूज करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। 9 और 3 करके याद रखिए। कई बार हम सोचते अरे ऐसा ही क्वेश्चन, मान लीजिए कि हमने तो प्रोपेन कवर कर लिया और बेंजीन कवर कर लिया, अब आपको ब्यूटेन पूछे तब भी वहां पे 10 ही कर देंगे तो हो गया काम। ब्यूटेन पूछ लिया, पेंटेन पूछ लिया, मिथेन पूछ लिया, कुछ भी पूछेंगे आपसे, है ना। तो आप वहां पे याद रखिए ना कि कैसे यहाँ पे करना है। तो 9 सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव अ नॉन ल्यूमिनस फ्लेम ऑन बर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सी चीज या कौन से प्रोडक्ट को जलाने पे फ्लेम जो है ना वो चमकदार नहीं होगी, बताइए। बताइए इनमें से कौन सी चीज जो है ना उसको अगर हम जलाएंगे तो फ्लेम लेस नॉन ल्यूमिनस होगा। तो स्पिरिट करके याद रखिए, कपूर, नेप्थलीन की गोलियां और बेंजीन जलाई जाती है तो शानदार ब्लू या येलो कलर का फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस करता है, ब्लू या येलो कलर। लेकिन हम स्पिरिट जलाएंगे ना, स्पिरिट अल्कोहल, तो वो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम देगा। डिटर्जेंट जो होते हैं ये सोडियम और पोटेशियम की लॉन्ग चेन होती है, लेकिन उसमें जुड़ा क्या होता है मेनली? डिटर्जेंट अपमार्जक बोलते हैं ना डिटर्जेंट को, अपमार्जक डैश की लंबी श्रृंखलाओं के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। किस चीज के होते हैं ये? जितने भी साबुन या डिटर्जेंट है वो किस चीज के बने होते हैं? ये जितने भी साबुन या डिटर्जेंट है ये इनका जो मेन तो होता है सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम। लेकिन आप अच्छा देखो, हमेशा ना याद रखो, अब जैसे अब यहाँ पे सोडियम पोटेशियम है तो ऐसा थोड़ी कि डिटर्जेंट में आग लग जाएगी, क्योंकि इन दोनों में आग लगती है, वो कंपाउंड का, ये एलिमेंट का फीचर है। जब आप उसको कंपाउंड बना दोगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएंगे। तो डिटर्जेंट जो होते हैं ना वो सल्फोनिक एसिड्स बोले जाते हैं, क्या? सल्फोनिक एसिड्स करके याद रखिए, डिटर्जेंट हमेशा सल्फोनिक एसिड बोले जाते हैं। जो कार्बन और ये सोडियम और मैग्नीशियम होती है ना ये सल्फोनिक ग्रुप के साथ अटैच करती है, और इसका हमने कई बार इसको मैंने आपको स्ट्रक्चर वगैरह दिखाए भी है ना डिटर्जेंट के, तो सल्फोनिक एसिड करके याद रखिए। नेम द पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ द लीव्स इन ऑटम एंड ऑरेंज कलर ऑफ द कैरेट्स। उस वर्णक का नाम बताइए
जो शरद ऋतु में पत्तियों के पीले रंग और गाजर के नारंगी रंग के लिए जरूरी होता है। तो ये जो आपके फल होते हैं ना, किसी का ऑरेंज कलर, किसी का हरा कलर, किसी का यहाँ पे कलर वेरिएशन जो है ना वो अलग अलग होती है। तो आप सिर्फ ये बताइए कि ये जो वर्णक है उनके ये जो कलर है स्पेसिफिकली सिर्फ गाजर का पूछा जा रहा है या फिर आपसे पत्तियों का पूछा जा रहा है। तो आप याद रखिए कि गाजर में कैरोटेनॉइड्स होते हैं। विटामिन ए को आप कैरोटीन के नाम से भी जानते हो, कैरोटीन। क्यों? क्योंकि विटामिन ए आता है गाजर से, गाजर खाने से। तो गाजर खाएंगे तो आंखें मजबूत होंगी, है ना, आंखें ताकतवर बन जाएंगी। तो कैरोटीनॉइड, गाजर में कैरोटीनॉइड भी होता है, इसीलिए विटामिन ए को भी हम कैरोटीन के नाम से जानते हैं। तो ऐसे हमारे फ्रूट्स के कलर्स हैं। ये चार्ट मैंने आपको पहले भी दिया है ना, पहले भी अपन ने किया है। लाइकोपीन, एंथोसियानिन्स, फिनोलिक्स, एलिसिन, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन ये रहा, देखो गाजर में होता है ना, कद्दू में भी होता है, कद्दू में भी विटामिन ए बहुत ज्यादा पाया जाता है। व्हाई इज इट इजी टू स्विम इन द सी वाटर, बताइए। समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है, क्यों? समुद्र के पानी में तैरना जो है वो आसान होता है। आप डेड सी चले जाइए, डेड सी का तो यह हाल है कि आप उसमें तैरोगे भी नहीं, लेकिन मतलब आप उसमें अपना एफर्ट्स कुछ भी नहीं लगा रहे हो, लेकिन उसके बावजूद जो है ना आप उसमें ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे बढ़िया तरीके से तैरोगे। डेड सी जिसको बोलते हैं ना, या ये सॉल्ट सी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जितना डेंसिटी सी वाटर की हाई होती जाएगी उतना ही आसानी से हम तैरते चले जाएंगे, ठीक है। जितना डेंसिटी हाई होती चली जाएगी किसी भी पानी की, हम उतना ही आसानी से तैरते चले जाएंगे। एटमॉस्फेरिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है बस। तो डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज हायर और लोअर, तो हायर करके याद रखिए, डेंसिटी जितनी हाई होगी हम उतना ही उसके ऊपर तैरते चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, सी करके आंसर लिखे, सी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज हायर देन द नॉर्मल वाटर व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ वाटर विल बी, जब पानी की दी गई मात्रा को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाएगा तो इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम जो है ना वो डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होके फिर डिक्रीज होगा, या डिक्रीज होके फिर इंक्रीज होगा। डेंसिटी याद रखिएगा, पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी की डेंसिटी मैक्सिमम जाती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इस क्वेश्चन के हिसाब से फिर उसका अपना आंसर क्या होगा, डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, ठीक है, डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। ये हमने कल भी किया था ना ये वाला क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन कल भी किया था, इसलिए आपको ना वर्ड फाइल में कोई दूसरा क्वेश्चन उसको जरा पढ़ेगा ध्यान से, है ना, डिक्रीज एंड देन इंक्रीज जो है ना, ये कल वाला ही क्वेश्चन है, वर्ड फाइल में दूसरा क्वेश्चन है। तो वर्ड फाइल में आपको अलग क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि ये तो आपको कल भी फाइल से मिलेगा। अच्छा कल भी किया था, फिर भी गलत दे रहे हैं, फिर भी सी आंसर लिख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। डी लिखिए यहाँ पे, डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, 4 डिग्री तक ये घटेगा और 4 डिग्री के बाद यानी कि 5 डिग्री के बाद ये बढ़ेगा। वर्ड फाइल में मैं दूसरा दूंगी। तो दैट्स इट फॉर डी टुडे। 6 PM की क्लास में आ जाइए, आज लाइट चैप्टर शुरू हो रहा है। फिर नहीं बोलिएगा कि लाइट चैप्टर आपने कराया नहीं, लाइट चैप्टर हमको समझ नहीं आया, इमेजेस नहीं आती बनानी और ये और ये। तो लाइट चैप्टर आज फाइनली जो है ना मैं शाम की क्लास में स्टार्ट कर रही हूँ। आज इसकी फर्स्ट क्लास होगी, आज 1 सितंबर भी है ना, आज इसकी फर्स्ट क्लास है, 1 सितंबर है, आज इसकी पहली क्लास है लाइट चैप्टर की। तो इसको आगे ज्वाइन करना है आराम से, इस पूरे को हम 3 दिन में कवर करेंगे। मतलब कोई जल्दबाजी नहीं कराऊंगी मैं, लाइट चैप्टर की सारी इमेजेस वगैरह हम बना के देखेंगे। तो लाइट चैप्टर का पूरा पार्ट आज की क्लास में शुरू करके, आज वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे 3 दिन करते हैं, और सैटरडे को साउंड और लाइट का एक टेस्ट करेंगे, है साउंडिंग एंड लाइटिंग, लाइटिंग एंड साउंडिंग जो है ना वो हम चेक करेंगे, है ना, सैटरडे वाली क्लास में। चलिए अभी शाम को फिर 7 बजे जीके की भी क्लास होती है, उसको भी आप ज्वाइन कर लो। शिप्रा लाइव कोड करके आप कोई भी कोर्स जो है वो भी ले लो, और 6 बजे वाली और 7 बजे वाली क्लास का अनअकैडमी पे आपको जो है ना क्लास मिलेगी, अनअकैडमी ऐप के ऊपर ये क्लास मिलेगी। जो इस क्लास का लिंक है उसको फॉलो कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे जाके शिप्रा चौहान आप सर्च पे ढूंढो, आपको मिल जाएंगे, वहां पे फॉलो करो और उसके बाद जो है वो ज्वाइन करो। अदरवाइज लिंक होता है आपके PDF के अंदर भी, जो ये इस क्लास की जो PDF आपको दी जा रही है ना उसका लिंक जो है ना वो आपके पास होगा, इस PDF में भी होगा, अलग से लिंक भी होगा। PDF कहाँ मिलेगी?
क्लास खत्म होने के बाद जो कमेंट सेक्शन आते हैं ना, कमेंट सेक्शन में आपको पीडीएफ जो है ना वो अपडेट करके दिए, तो वहां से भी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय, लेट मी मीट यू इन स्टैटिक जीके क्लास। आज स्टैटिक जीके क्लास में 5 ईयर प्लानिंग जो है ना उसके क्वेश्चन करने वाले हैं, तो 5 ईयर प्लानिंग अच्छे से पढ़ते हैं, ताकि हम आगे कोई क्वेश्चन 5 ईयर प्लानिंग का पूछा जाता है ग्रुप डी।